फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने एक छोटी सी टर्म को लेकर के। आजकल जहां सारी दुनिया कोरोना की बात कर रही है, वहां पर एक टर्म आपको बहुत बार सुनने को मिल रहा होगा, WFH, WFH और WFH। अब जिन लोगों को पता है उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि WFH क्या है, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बन जाती है नई टर्म। दोस्तों WFH का मतलब है वर्क फ्रॉम होम, मतलब नाम से पता लग रहा है, उसकी फुल फॉर्म से मुझे पता लग रहा है कि भाई काम करना है घर से। अब मेरे बहुत सारे भाइयों का ये पूछना है कि सर ये काम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि जब भी किसी भी IT बेस्ड कंपनी के अंदर आप होते हो तो आपके पास वर्क फ्रॉम होम की ये फैसिलिटी होती है। आप अगर ठीक नहीं हो, आप फिट नहीं हो, आप अपने मैनेजर को इंटीमेट करोगे और अप्रूव करवाओगे अपने लिए वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन में आपके ऑफिस में आपकी अटेंडेंस फुल रहती है, साथ में आप उतने इफिशियंटली तो कनेक्टेड नहीं रहते हो जितना इफिशियंटली आप ऑफिस में कनेक्ट होते हो, बट काम किसी का रुकता नहीं है। आपको किसी को कॉल करना है, आपको किसी को मेल भेजना है, वो काम पूरी तरह से चलता रहता है। मतलब बंदे की अवेलेबिलिटी ज़रूर रहती है बट उतना इफिशियंटली नहीं जितना ऑफिस में रहती है। अगर वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया है तो मैनेजर और कंपनी के माइंड में ये सेटअप बिल्कुल रहता है कि बंदा घर में रहेगा तो बट ऑब्वियस है कुछ ना कुछ काम घर के में भी वो बिजी रह सकता है। तो ये माइंड सेटअप हर एक समझदार कंपनी और मैनेजर सबके दिमाग में बखूबी रहता है। अब वो लोग काम कैसे करते रहे, अवेलेबिलिटी तो है दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपकी टेबल पर या तो लैंडलाइंस होते हैं, या आपके पास चैट होते हैं, या आपके पास मेल होते हैं। बट अगर आप घर पे हैं तो आपके पास वो फ़ोन नहीं होंगे बट आपका मोबाइल होगा, तो मोबाइल पे आपसे कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है तो आपके पास चैट होता है, आप चैट कर सकते हैं। गूगल चैट होते हैं, बहुत सारी कंपनीज के अपने चैट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चैट होते हैं, तो चैट बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप इजीली अपनी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें से किसी से भी कोई भी चैट कर सकते हो जो उस टाइम पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ऑफिस में कोई बंदा है और उसको कोई काम है, उसको कोई ज़रूरत है, वो आपसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक टिकटिंग टूल होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, वो उस टिकटिंग टूल पर पहले अपनी रिक्वायरमेंट रेज करेगा। उस रिक्वायरमेंट से आपको आएगा एक मेल कि उस बंदे ने इस तरीके का एक रिक्वायरमेंट रेज किया है, उसको हेल्प चाहिए। आप उस मेल को रीड आउट करोगे, उस मेल के बेसिस पे टूल पे जाओगे, उस पर्टिकुलर टिकट को ओपन करोगे, और टिकट को ओपन करने से आपके सामने उस बंदे की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। साथ में वहीं पर चैट बॉक्स होता है, चैट पर आप सीधे ले जाकर के उस यूजर से, उस बंदे से सीधे कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, या क्या इशू आ रहा है, आपको कहाँ मेरी हेल्प चाहिए। इस तरीके से कंपनी में काम होता है दोस्तों, और यही चीज़, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बंदा मैन्युअली कहीं जा कर के या किसी मशीन से या किसी के साथ अपना यूटिलाइजेशन करके उसको करेगा। सारी की सारी चीज़ें IT फील्ड से जुड़ी होती हैं, बंदा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही कंप्यूटर के थ्रू करता है। इधर भी बैठा हुआ बंदा जो घर पर है उसके पास भी लैपटॉप होता है, वाईफाई होता है, वो इजीली नेट से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, VPN, VPN से कनेक्ट करने के बाद ही वो काम कर पाता है। अब ये VPN का है दोस्तों, VPN की बात करूँ तो हर एक कंपनी इंटरनेट यूज़ करती है, एक अपना नेटवर्क यूज़ करती है जिस नेटवर्क में उसके सारे के सारे एम्प्लॉयज कनेक्ट रहते हैं, वो नेटवर्क सिक्योर रहता है फायरवॉल से। फायरवॉल होता है जहाँ पर मेरे रूल्स और रेगुलेशंस लगे रहते हैं, उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके मेरे सारे के सारे एम्प्लॉयज उसमें, उस डोमेन में कनेक्ट रहते हैं, उस नेटवर्क में कनेक्ट रहते हैं। तो VPN वो चीज़ होती है जो आपको घर पे रहते हुए, घर के इंटरनेट को यूज़ करते हुए, आपको ऑफिस के उस डोमेन में, उस नेटवर्क में कनेक्ट करवा देती है, जिससे कि आप घर बैठे हुए भी ऑफिस के नेटवर्क को ज्वाइन कर लेते हो और अपने काम को कर पाते हो। तो जितने भी मेरे भाई वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, लैपटॉप से काम करते हैं और किसी सॉफ्टवेयर या सर्विसेज पे काम करते हैं,
वो बंदे हमेशा सबसे पहले वीपीएन के थ्रू अपने ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, उसके बाद ही वो लोग काम कर पाते हैं। सो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम कुछ नहीं है, घर से काम करने की एक फैसिलिटी है जिसमें आप कुछ एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हो। कनेक्ट होने के बाद आप ऑफिस के नेटवर्क में रहते हुए अपना काम कर पाते हो। सो दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वर्क फ्रॉम होम, ये जो एक टर्म है जो आज की तारीख में आपको बार बार सुनने को मिल रही होगी, कोरोना के साथ में आपको बखूबी समझ में आई होगी कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है, कैसे लोग वर्क फ्रॉम होम लेकर के घर से या ट्रेवल करते हुए काम कर लेते हैं। ये तो दोस्तों ऑफिस से घर की बात हुई, बट बहुत बार लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो अपनी अवेलेबिलिटी दिखा देते हैं। क्यों? वो अपना लैपटॉप खोलते हैं, मोबाइल के नेट को यूज़ करके वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं ऑफिस के नेटवर्क में और वो लाइव दिखते रहते हैं भले ही वो ट्रेवल क्यों ना कर रहे हों। तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी होती है दोस्तों, इसको यूज़ तब करना जब सच में आपको ज़रूरत हो, इसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जिनको जेन्युइनली वर्क फ्रॉम होम चाहिएगा उनको कभी मिलेगा नहीं। सो अगर ये मेरा छोटा सा कंसेप्ट वर्क फ्रॉम होम का आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।